प्रदेश में प्रतापगढ़ के सांगीपुर थाने में तैनात दारोगा राजेश यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। एक तिलक समारोह में मंच पर बार बालाओं के साथ ठुमके लगाते हुए वीडियो वायरल होने के बाद उन पर ये एक्शन लिया गया। जांच में पता चला कि सिपाही के तिलक में दारोगा बिना छुट्टी लिए पहुंच गए और डांसरों के संग जमकर ठुमके लगाए। डांस का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो एसपी ने जांच कराई। वहीं सांगीपुर थाने में तैनात एक सिपाही का घर गाजीपुर में है। बुधवार को सिपाही का तिलक था। तिलक में सांगीपुर थाने में तैनात दारोगा राजेश यादव भी पहुंच गए। बताया जाता है कि समारोह में डांसरों के बीच दारोगा ने जमकर ठुमके लगाए। गुरुवार को दारोगा के डांस का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ तो एसपी सतपाल अंतिल ने मामले को संज्ञान में लिया। वहीं प्राथमिक जांच में पता चला कि दारोगा ने ना तो छुट्टी ली थी और ना ही अनुमति लेकर वो गया था। इसका पता चलते ही एसपी ने दारोगा को तत्काल सस्पेंड करते हुए सीओ लालगंज को विस्तृत जांच करने को कहा है। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि कितने लोग गाजीपुर तिलक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे, जिसके बाद से थाने के अन्य पुलिसकर्मियों की जान भी आफत में आ गई है। Thank you.